नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 7 हिंदी विषय में व्याकरण का एक टॉपिक लेंगे, संज्ञा और उनके प्रकार। इसके बारे में हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं और उसके कितने प्रकार हैं। आप अपनी आगे की कक्षा में, कक्षा 6 में, कक्षा 5 में संज्ञा के बारे में जानकारी प्राप्त कर ही चुके होंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा की क्या परिभाषा है और उसके कितने प्रकार हैं। तो संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु, स्थान, जाति, भाव आदि बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कुल 5 प्रकार हैं। सबसे पहला प्रकार है व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसके बाद जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ये सारी संज्ञा है, उनके अलग अलग भेद है, वो उनके प्रकारों के आधार पर, उनकी विशेषताओं के आधार पर है। आज मैं आपको जो भी लिखवाऊंगी वो आपको अपनी व्याकरण की नोट में लिखना है। सबसे पहले हम संज्ञा की परिभाषा लिखेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं, उनके कौन कौन से उदाहरण है। जैसे संज्ञा का किसी व्यक्ति, स्थान, जाति, भाव आदि बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताती हूँ कि भारत हमारा देश है, तो भारत उसमें क्या है? एक संज्ञा है, जो क्या है? एक देश है। राम मंदिर जाता है, राम क्या है? एक व्यक्ति का नाम है। पूजा अपना कार्य सही समय से करती है, तो पूजा क्या है? संज्ञा है। तो ठीक उसी प्रकार आज हम संज्ञा और उसके अलग अलग भागों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए अब हम सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा देखते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं तो सबसे पहला उदाहरण हम देखते हैं, जैसे भारत बहुत बड़ा देश है। तो ये जो वाक्य है, भारत बहुत बड़ा देश है, तो भारत, इस वाक्य में भारत क्या है? स्थान है। क्या दर्शा रहा है? स्थान दर्शा रहा है, एक देश का नाम दर्शा रहा है। तो इस वाक्य में हम भारत को क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, पूजा मंदिर जाती है। पूजा है, रोज कहाँ जाती है? मंदिर जाती है। तो पूजा क्या है? एक व्यक्ति विशेष का नाम है। तो इस वाक्य में पूजा क्या है? संज्ञा है। तो अब देखते हम संज्ञा के प्रकार। तो संज्ञा के कुल कितने प्रकार है? 5 प्रकार है। Thank you.
प्रकार है। तो इसमें से सबसे पहला प्रकार है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है समूहवाचक संज्ञा, चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा और सबसे अंतिम पांचवा है वो है भाववाचक संज्ञा। सबसे पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक, चौथा समूहवाचक संज्ञा, सबसे अंतिम लास्ट में द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ये है पांच संज्ञा के प्रकार, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। अब सबसे पहला जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो सबसे पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं और उसके कौन कौन से उदाहरण है। तो आपको ये जो मैंने लिखा है बोर्ड पर उसे आपको अपने नोटबुक में नोट करना है। अब आइए हम सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा की जानकारी प्राप्त करते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी खास व्यक्ति, प्राणी या स्थान को किसी खास व्यक्ति, प्राणी या स्थान को सूचित करने वाले शब्द कह दो या संज्ञा कह दो क्या कहलाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हिमालय बर्फ का पहाड़ है, पवित्र नदी है। तो हिमालय बर्फ का पहाड़ है, तो हिमालय है ये एक स्थान को सूची करता है। गंगा पवित्र नदी है, गंगा है जो एक खास सभी नदियों में जिसे पवित्र माना जाता है, तो वह एक खास नदी है इसीलिए इसमें गंगा है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे तीसरा उदाहरण देखते हैं, सुहानी और श्रेय बाजार गए,
बाजार गए। तो इस उदाहरण में सुहानी और श्रेय जो किसमें आते हैं, व्यक्ति के अंदर आते हैं, और वो कहाँ जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं। तो इस वाक्य में सुहानी और श्रेय क्या दर्शाते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा को दर्शाते हैं। इसके बाद दूसरी जो संज्ञा है वह है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जो शब्द संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जो शब्द वह शब्द जो एक संपूर्ण जाति का हमें बोध कराता है, संपूर्ण जाति का हमें ज्ञान कराता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सबसे पहला उदाहरण हम देखते हैं कि घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। उदाहरण में जो घोड़ा शब्द है वह एक जाति को दर्शा रहा है। जब हम घोड़ा शब्द बोलते हैं तब घोड़े की संपूर्ण प्रजाति का हमें क्या होता है, बोध होता है। इसीलिए वह किसमें आएगा, जातिवाचक संज्ञा में आएगा। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, गाय को हम माता कहते हैं। यदि मैं ऐसे कहूँ कि कामधेनु गाय, तो कामधेनु गाय है वह क्या कर रही है, किसी खास प्राणी को सूचित कर रही है, तो वह किसमें आएगी, व्यक्तिवाचक में। लेकिन यहाँ पर हम सभी गाय की बात कर रहे हैं, एक जाति विशेष की बात कर रहे हैं, तो वह किसमें आएगा, जातिवाचक संज्ञा के अंदर आएगा। तीसरा उदाहरण हम देखते हैं, बच्चे देश की अमूल्य संपत्ति है। बच्चे, तीसरा जो वाक्य है कि बच्चे है देश की अमूल्य संपत्ति है, तो यहाँ पर किसी एक बच्चे की बात नहीं की गई। इस दुनिया में या इस संसार में जितने भी बच्चे हैं, सभी बच्चों की बात की गई है, तो वह किसमें आएगा, एक जाति को दर्शाता है, इसीलिए वह जातिवाचक संज्ञा में आएगा। इसके और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे बढ़ई लकड़ी का सामान बनाता है, तो हम किसी व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं कहते। हम जब बढ़ई कहते हैं तो उसमें सारे बढ़ई का ज्ञान हमें हो जाता है। तीसरे नंबर का जो है भाववाचक संज्ञा, कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं।
भाववाचक संज्ञा। अब ये शब्द सुनते ही हमें पता चल जाता है कि इसमें किसी भी व्यक्ति विशेष के मन के भाव प्रदर्शित होते हैं। जैसे कभी आपके साथ कुछ ऐसा अच्छा कार्य होता है जिससे आप बहुत ही क्या हो जाते हो, खुश हो जाते हो। कभी आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती है जिसके कारण आप बहुत क्या हो जाते हो, दुखी हो जाते हो। आपको किसी दुखी व्यक्ति को देखकर उस पर आपको क्या आती है, दया आती है। तो जो ये खुशी है, ये दया है, ये दुख है, ये सारी चीजें हैं, वो व्यक्ति के मन के अंदर उठने वाले भाव है, तो जिसे हम भाववाचक संज्ञा के अंदर लेते हैं। तो आइए अब हम भाववाचक संज्ञा की परिभाषा लिखते हैं कि जो शब्द मन के भाव का बोध कराते हैं। अब व्यक्ति के मन के अंदर कौन सा भाव है, वह किस समय दुखी है, किस समय वह बहुत ही खुश है, कौन सी परिस्थिति में उसे दूसरे व्यक्ति के ऊपर दया आती है, तो ये जितनी भी सारी परिस्थितियां हैं जिससे व्यक्ति के मन में क्या उत्पन्न होता है, भाव उत्पन्न होता है, तो वह किस में आएगा, भाववाचक संज्ञा के अंदर आएगा। तो आइए अब हम इसका सबसे पहला उदाहरण देखते है। हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, भिखारी को देखकर मुझे दया आई। हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। आदर, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। अब किसी बड़े बूढ़े का आदर करना है, उसका सम्मान करना है, तो उसके विचार हमारे कहाँ उत्पन्न होंगे, मन के अंदर उत्पन्न हो गए। तो ये भी आदर भी क्या है, हमारे मन के अंदर का एक क्या है, भाव है। इसीलिए हम इसे किस में लेंगे, भाववाचक संज्ञा के अंदर लेंगे। तो आज हमने प्रथम वीडियो में संज्ञा के पांच प्रकारों में से तीन प्रकारों की परिभाषा को समझा, उसके उदाहरणों को समझा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आगे की दो संज्ञाएं बाकी है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यह